नो मैटर हम कितने भी सेट्स रेप्स और डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर ले, हमारा आर्म वन ऑफ द मोस्ट लैकिंग मसल्स पार्ट होता है। और इनिशियल के फर्स्ट ईयर में मेरा भी आर्म वन ऑफ द मोस्ट लैकिंग मसल्स पार्ट हुआ करता था। और इसको ग्रो करने के लिए मैंने बहुत सारे डिफरेंट एक्सरसाइज को ट्राई किए, बट स्टिल कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंट देखने को नहीं मिला। बट आफ्टर रिसर्चिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग लॉट्स ऑफ थिंग, फाइनली आई फाउंड अ वे जिसको कि इंप्लीमेंट करने के बाद मेरे आर्म साइज में एक मैसिव ग्रोथ आया। अब क्योंकि मैंने अपने आर्म साइज को कभी मेजर नहीं किया है, बस मुझे इतना मालूम है कि जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था तब मेरा आर्म साइज अप्रॉक्स 10-11 inches का था। तो अभी मेजर करके देखते हैं कि मेरे आर्म साइज में कितना ग्रोथ आया है। अप्रॉक्स 14.5। सो ये मेजरमेंट विदाउट पंप था। अभी देखते हैं कि पंप होने के बाद कितना मेजरमेंट आता है। So after pump, it's 15 inches. So in this video, I'm going to share with you that how I grew my arm by 5 inches. सो बिफोर जंप टू द मेन पॉइंट्स, पहले ये जान लेते हैं कि मोस्ट ऑफ लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके चलते उनके आर्म में वो साइज गेन नहीं हो पा रहा है। सी, मोस्ट ऑफ लोग होल डे वीक्स में अपने आर्म के लिए स्पेशली रखते हैं, और हम लोग अपने बाइसेप्स के ग्रोथ के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि इसके लिए 5-6 डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं एक सेम सेशन में, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। रीजन, क्योंकि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक छोटा मसल्स पार्ट होता है, और इसको आप सेम सेशन में 5-6 डिफरेंट एक्सरसाइज से ट्रेन करोगे तो आप डेफिनेटली ओवर ट्रेन कर रहे हो। सो नाउ क्वेश्चन अराइज हियर कि फिर हम क्या करें अपने आर्म में साइज गेन करने के लिए। सी, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल एक्सरसाइजेस इन वन सेशन, ट्राई टू स्प्लिट इन टू स्मॉल सेशन। और ये करने से आपको दो बेनिफिट्स होगा। फर्स्ट, आप अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ओवर ट्रेन करने से बचोगे, जिसके चलते आपका मसल्स का रिकवरी ज्यादा अच्छा होगा, एंड बेटर रिकवरी इज इक्वल टू फास्ट मसल्स ग्रोथ। एंड सेकंड बेनिफिट्स, अब आप वीक में अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को दो बार ट्रेन कर पाओगे, जिसके चलते आपके ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एंड मोर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मोर फास्ट प्रोटीन सिंथेसिस। मैं अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपका मसल्स का रिपेयरिंग और बिल्डिंग का प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगा, जिसके चलते आपके आर्म में और भी जल्दी साइज गेन होगा। सो अब हमने मिस्टेक्स के बारे में बात कर लिया है, अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट्स के बारे में, जो कि है व्हाट टू डू टू ग्रो आर्म साइज। सो आप प्रोबेबली एक्सपेक्ट करोगे कि मैं बोलूंगा एड ड्रॉप सेट, सुपर सेट, एंड अपने इसेंट्रिक मोशंस को कंट्रोल करो, जो कि एक हद तक सही है, बट मैं इससे भी बेसिक चीज के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है इंक्रीज योर स्ट्रेंथ ऑन योर मेजर एक्सरसाइजेस। क्योंकि अब स्ट्रेंथ का आपके मसल्स बिल्डिंग से एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप होता है, तो अगर आप अपने स्ट्रेंथ को बिल्ड करने फोकस करोगे तो आपका मसल्स बिल्डिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कौन से मेजर एक्सरसाइजेस पे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूं। तो अभी बात करते हैं बाइसेप्स के बारे में। तो अगर बाइसेप्स की बात करें तो जिस एक्सरसाइज ने मेरे बाइसेप्स में सबसे ज्यादा मास ऐड किया है वो है बारबेल कर्ल, बट इस एक्सरसाइज को हम नॉर्मल बारबेल से परफॉर्म नहीं करेंगे, इसको हम एक ओलंपिक बारबेल से परफॉर्म करेंगे। उसका रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि ओलंपिक बारबेल का वेट 20-25 kg तक होता है, मतलब आपके बाइसेप्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है रेप्स को पूरा करना। तो इस एक्सरसाइज में हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का कोशिश करेंगे, एंड आई नो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट अगर एक बार आपने इस एक्सरसाइज पे स्ट्रेंथ गेन कर लिया तो बिलीव मी आपके बाइसेप्स में एक बहुत ही मैसिव ग्रोथ आएगा। सो अभी बात करते हैं ट्राइसेप्स के बारे में। तो जिस एक्सरसाइज ने मेरे ट्राइसेप्स में सबसे ज्यादा थिकनेस ऐड किया है वो है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके तीनों हेड को टारगेट करता है। तो अगर इस एक्सरसाइज में आप अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो तो आपका बेंच प्रेस में भी स्ट्रेंथ इवेंचुअली बिल्ड हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को जरूर ऐड करो, और ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप्स के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसको कि मैं 50-60% का क्रेडिट देना चाहूंगा अपने आर्म साइज के ग्रोथ के लिए। सो वो है कंपाउंड लिफ्ट। कंपाउंड लिफ्ट जैसे कि बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स। तो क्या रीजन है कि मैं आप लोग को कंपाउंड लिफ्ट पे इतना ज्यादा फोकस करने के लिए बोलता हूं? सो इसके बेसिकली दो रीजन है। फर्स्ट, कंपाउंड लिफ्ट आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जो कि एक मसल बिल्डिंग हार्मोन होता है, जो कि आपको हेल्प करता है ओवरऑल मसल्स मास गेन करने में। और सेकेंड रीजन है, कंपाउंड लिफ्ट में आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आता है। तो अगर आप लोग अगर कंपाउंड लिफ्ट नहीं कर रहे हो तो आप लोग कंपाउंड लिफ्ट भी करने शुरू कर दो, क्योंकि कंपाउंड लिफ्ट ही आपको हेल्प करेगा आपके आर्म में मैसिव ग्रोथ लाने के लिए। सो ये सारे टिप्स आप जाओ और इंप्लीमेंट करो, एंड आई गारंटीड आपके आर्म साइज में एक मैसिव ग्रोथ आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। Yeah.